के पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद हुए आगरा के कौशल कुमार रावत की बेटी हमारे साथ है अपूर्वा। किस तरह से मोटिवेट करते थे, क्या बनाना चाहते थे? वो सिर्फ इतना कहते थे कि मेरी साइड देख लो और कुछ बन जाओ। उन्होंने मैंने एविएशन ज्वाइन किया, उसके बाद उन्होंने मुझे पायलट के लिए भी प्रमोट किया, तो मैंने 2 महीने पहले ही अपना CPL कोर्स स्टार्ट किया पायलट बनने के लिए। और भाई को भी उन्होंने 2 साल पहले MBBS में ढकेल दिया कि तुम अच्छे से डॉक्टर बनो, मैं चाहता हूँ मेरे 3 बच्चे कामयाब हो जाएं। इसलिए उन्होंने मुझे पायलट, भाई को MBBS और छोटे वाले को बोला जो तुझे अपनी लाइफ में करना है तुम करो, हम तुम्हारे साथ। हर बार ऐसे हमले होते हैं लेकिन कुछ निकलता नहीं है, फिर दोबारा से कोई बड़ा हमला हो जाता है, क्या सरकार को क्या करना चाहिए? अभी तो वक्त आ गया है ठोस कदम उठाने का। ये हमला हुआ है, अब 40 हो चुके हैं, अब 80 का इंतज़ार करने का तो मुझे नहीं लगता वक्त है। आप चाहेंगे कि आपके बच्चे सेना में जाएं या किसी के लिए प्रमोट करेंगे? जब मेरी शादी होगी और अगर मुझे लगता है कि सरकार ऐसे ही मरने देने वाली है तो मैं नहीं चाहूंगी कि मेरे होने वाले बच्चे कभी भी जाएं। या पाकिस्तानी ज़्यादा हावी हो रहे हैं सरकार? पाकिस्तान हावी हो गया है हम पर, मुझे तो यही लगता है। हमारी सरकार के पास कैपेबिलिटी है, सब कुछ है, पर मुझे नहीं पता वो क्यों रुके हुए हैं। मुझे आपकी डिमांड क्या है सरकार से, क्या करना चाहिए सरकार को अब? मुझे तो इतना पता है, अगर मैंने फोटोज जो देखे हैं उसमें हमारे जवानों के इतने छोटे छोटे टुकड़े मिले हैं, मैं चाहती हूँ उन लोगों के टुकड़े भी ना मिले। PM मोदी और CM योगी से आपकी क्या डिमांड है, क्या करना चाहिए उन्हें? CM योगी को मैं सैल्यूट करती हूँ, वो बहुत दिलदार आदमी है और जो भी कदम वो उठाते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं। PM मोदी भी, उन्होंने बहुत आतंकवाद को कम किया है, मैं ये चाहती हूँ बस वो इसे जड़ से ख़त्म कर दें, बिल्कुल जड़ से। जैसे ये हमला हुआ, इतना बड़ा RDX और भी सामान आया, तो क्या सुरक्षा में पहले से चूक है वहाँ? चूक तो है ही, कश्मीर में जितनी सुरक्षा रहती है उसके हिसाब से मुझे लगता है कहीं तो कुछ तो हुआ ही होगा, लीक हुआ है, इसी वजह से इतना ज़्यादा विस्फोटक आ पाया। ये थी हमारे साथ कौशल कुमार रावत की बेटी अपूर्वा। अपूर्वा और इनके भाई विशाल का कहना है कि पिताजी बहुत जिंदा दिल थे, वो हम सबको एक ऊंची उड़ान देना चाहते थे। आगरा से ETV के लिए श्यामवीर सिंह।